दोस्तों चाणक्य नीति के अनुसार अगर ऐसी लड़की आपको मिले तो फौरन कर लेनी चाहिए शादी। शादी को लेकर सभी लोग थोड़े चिंतित होते हैं, खासकर लड़के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं जिससे हमारी शादी होगी वो लड़की कैसी होगी, क्या उसके साथ जीवन अच्छे से बीतेगा या कोई और समस्या तो नहीं आएगी। इस तरह की कई सारी बातें जो विवाह के समय हमारी चिंता को और ज्यादा बढ़ा देती है, वही शास्त्रों में और चाणक्य नीति में भी बताया गया है कि योग्य इंसान से ही शादी करनी चाहिए, नहीं तो जीवन भर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों की टेंशन बढ़ जाती है कि कैसे जाने जिससे हमारी शादी हो रही है वो हमारे लिए सही है या नहीं। वैसे इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिसके अनुसार अगर कोई कन्या मिले तो उससे विवाह करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाणक्य नीति के अनुसार विवाह के लिए योग्य कन्या में कौन कौन सी खास बातें होनी चाहिए। नंबर एक, आचार्य चाणक्य बताते हैं यदि कोई स्त्री कामकाजी नहीं है लेकिन उसे घर परिवार और समाज की जानकारी रहती है तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी स्त्रियां जागरूक रहती है और परिवार का हमेशा मान सम्मान बढ़ाती है। नंबर दो, विवाह के लिए स्त्री में एक गुण अवश्य होना चाहिए, वो ये है कि सभी को उचित मान सम्मान देना जानती हो, अपने से ऊंचे और नीचे दोनों तरह के लोगों को सम्मान देना जानती हो। नंबर तीन, आचार्य चाणक्य बताते हैं जो स्त्री संस्कृति और परंपराओं का पालन करती है वो विवाह के लिए श्रेष्ठ रहती है। ऐसी पत्नी पति के लिए सौभाग्य बढ़ाती है, वो पूजा पाठ से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करती है जिससे घर में समृद्धि आती है। नंबर चार, जिस स्त्री में बचत करने का गुण होता है वो परिवार के लिए शुभ रहती है, परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसी स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। नंबर पाँच, जिस स्त्री की आवाज मीठी हो, जिसके बोलने से सुख का अनुभव होता है, वो विवाह के लिए श्रेष्ठ रहती है। नंबर छह, आचार्य चाणक्य बताते हैं जो स्त्री अच्छी सलाहकार हो, बुरे समय में धैर्य बनाए रखे और सही सलाह दे पाए, उससे विवाह करने में पुरुष की भलाई रहती है। नंबर सात, जो स्त्री अपने भाई बहनों और सभी रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार रखती है, सभी का ध्यान रखती है और रिश्तों को लेकर सुरक्षात्मक भाव रखती है, वो विवाह के लिए उत्तम होती है। नंबर आठ, आचार्य चाणक्य बताते हैं जो स्त्री अपनी मर्यादाओं में रहती है और घर परिवार का मान सम्मान बरकरार रखती है वो स्त्री एक श्रेष्ठ स्त्री कहलाती है। नंबर नौ, श्रेष्ठ स्त्री वही है जिसमें अहम का भाव नहीं होता, जो स्त्री खुद से ज्यादा दूसरों के सुख को महत्व देती है, वो परिवार को हमेशा ही खुश रखती है। नंबर दस, जो स्त्री बुरी से बुरी परिस्थिति में परिवार का साथ नहीं छोड़ती और मजबूती के साथ सभी रिश्तों को निभाती है वो विवाह के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस तरह की लड़कियां विवाह के लिए योग्य होती है। अगर आप भी शादी करने जा रहे हैं तो ये खास बातें आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए ध्यान रखिए, जब भी इस तरह की कोई लड़की आपको मिले तो तुरंत ही उससे शादी कर लीजिए, इसी में आपकी भलाई है।